स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। कई वर्षों से बाढ़ जो रहे करीब 137 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए 29 जुलाई का दिन खुशखबरी लेकर आया है। आज सुबह यूएई से उड़ान भरने वाले पांचों राफेल विमान आज दोपहर बाद करीब 3:08 पर अंबाला एयरबेस पर सुरक्षित उतर गए। पांचों राफेल के यहां पहुंचने की उम्मीदें कई दिनों से करोड़ों भारतीय लगाए हुए थे। आज राफेल के पहुंचते ही यह उम्मीदें भी पूरी हो गई। हालांकि फ्रांस के डिलीवर किए गए 5 राफेल की यह पहली खेप है। दूसरी खेप इसी साल के अंत तक आ सकती है। पांचों राफेल विमानों ने आज यूएई से करीब 50 विलंब से उड़ान भरी। पांचों राफेल विमानों की आज दोपहर 2 तक पहुंचने की उम्मीदें कल से लगाई जा रही थी, लेकिन 50 मिनट की देरी से चले राफेल विमानों की अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग करीब 3:08 पर हुई। आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि यह वही अंबाला एयरबेस है जहां आज से 41 साल पहले जैगुआर विमानों की लैंडिंग हुई थी। हालांकि खराब मौसम को देखते हुए वायुसेना ने अंबाला के बजाय जोधपुर एयरबेस को भी विकल्प के तौर पर रखा हुआ था, लेकिन मौसम ठीक होने की जानकारी मिलते ही अंबाला एयरबेस पर उतरने के लिए पुख्ता मंजूरी मिल गई। आज अंबाला एयरबेस पर राफेल विमानों के उतरने से पहले वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद थे। अंबाला प्रशासन ने राफेल विमानों की लैंडिंग से पहले ही करीब 3 का एरिया पूरी तरह से सील कर दिया था और वहां पर धारा 144 भी लगा दी थी। करीब 2:30 से अंबाला एयरबेस के आसपास जब सेना और हरियाणा पुलिस के वाहन पेट्रोलिंग करने लगे तो राफेल के आने की सूचना मिली। इसके बाद अंबाला के रहने वाले लोग भी अपने अपने घरों की छतों पर आ गए ताकि वह भी राफेल के दीदार कर सके। हालांकि सेना द्वारा पहले से ही फोटो और वीडियो लेने और बनाने पर रोक लगाई दी गई थी, इसीलिए लोगों ने भी इसकी जहमत नहीं उठाई, क्योंकि सुरक्षा की दृष्टि से यह भी ठीक नहीं था। बता दें कि भारत ने 23 सितंबर 2016 को फ्रांसीसी एरोस्पेस कंपनी द सोल्ट एविएशन से 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 59,000 करोड़ का सौदा किया था। इन विमानों को बुधवार दोपहर में भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन नंबर 17 में शामिल किया जाएगा, जिसे गोल्डन एरोस के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि इन विमानों का औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल करने के लिए मध्य अगस्त के आसपास समारोह आयोजित किया जा सकता है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और देश के शीर्ष सैन्य अधिकारियों के शामिल होने की उम्मीद है। भारत ने जो 36 राफेल विमान खरीदे हैं उनमें से 30 विमान लड़ाकू जबकि 6 प्रशिक्षक विमान हैं। अंबाला एयरबेस को भारतीय वायुसेना का महत्वपूर्ण बेस माना जाता है, क्योंकि यहां से भारत पाकिस्तान सीमा महज 220 किलोमीटर की दूरी पर है। राफेल के भारत पहुंचते ही चीन और पाकिस्तान भी सक पका गया, क्योंकि अंबाला एयरबेस से राफेल विमान चीन और पाकिस्तान पर सटीक नजर रख सकते हैं। आप राफेल की इस खासियत को समझिए कि जब राफेल उड़ान के समय किसी मैदान में पड़ी क्रिकेट बॉल की पिक्चर खींच सकता है, तो सोचिए भारत के दुश्मनों पर उसकी नजर कितनी पैनी होगी। आज देश के 137 करोड़ लोगों के लिए यह अच्छी खबर है कि दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे सटीक हमला करने वाला तेज तरार राफेल अब वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। बताते चले कि पांचों राफेल को अंबाला एयरबेस पर लैंडिंग कराने से पहले 2 सुखोई विमान साथ साथ चल रहे थे। अब आपको राफेल की कुछ खासियत भी बता देते हैं।
राफेल हवा से जमीन पर मार वाली स्लैप मिसाइल है। 150 किलोमीटर की बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल यह हवा से हवा में और हवा से जमीन पर हमले कर सकता है। यह लड़ाकू विमान परमाणु आयुध का इस्तेमाल करने में सक्षम है। राफेल विमान 2 इंजनों वाला बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। राफेल 24,500 किलो उठा कर ले जाने में सक्षम है और 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान की गारंटी भी है। राफेल में बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से भी उड़ान भरने की क्षमता है। लेह जैसी जगहों पर और काफी ठंडे मौसम में भी लड़ाकू विमान तेजी से काम कर सकता है। राफेल की अधिकतम स्पीड 2,223 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी मारक क्षमता 3,700 किलोमीटर तक है। इसके अलावा राफेल 9.5 टन हथियार ले जा सकता है। हथियारों की संख्या 14 तक हो सकती है। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ समाचार एक्सप्रेस पर। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।